नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा नंबर वन डिबेट शो आर पार। कांग्रेस बहुत बुरे दौर में, कहें संकट काल में फंस गई है। पहले मध्य प्रदेश में सरकार चले गई, फिर प्रियंका वाड्रा पर बंगले का संकट खड़ा हो गया, उसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया और अब से कुछ देर में राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग शुरू होने वाली है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के राजस्थान में सर्वे सर्वा रहे सचिन पायलट आमने सामने होंगे, जिन्होंने इरादा साफ कर दिया है कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, क्योंकि पहले शिकायत फिर बगावत और अब खुली जंग का ऐलान। सचिन पायलट ने सीधा संदेश दे दिया है, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का बड़ा रण है। बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर पीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। उस पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट के वकील हरीश सालवे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और असंवैधानिक भी घोषित किया जाए। हरीश सालवे ने यह भी कहा कि सदन के बाहर हुई कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन कपिल सिब्बल से लेकर दिग्विजय सिंह तक तमाम कांग्रेसी दिग्गज सचिन पायलट को घेरने में जुट गए हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब रण होगा, पायलट का ऐलान है अब रण होगा। अशोक गहलोत भी बड़े और पुराने जादूगर हैं, वो भी आसानी से हार मारने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ये रण इस समय राजस्थान हाई कोर्ट में चरम पर है और कुछ देर में बड़ा फैसला भी आने वाला है। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लोगों से षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई हौसले नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है सर। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है? पहले कार्रवाई, फिर जुबानी वार और अब अदालत में तकरार। पायलट बनाम गहलोत का कांग्रेसी गृह युद्ध अब कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ विहिप महेश जोशी की शिकायत पर स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया था। सचिन पायलट इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। सचिन पायलट ने याचिका में कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, स्पीकर दखल नहीं दे सकते। अपनी याचिका में सचिन पायलट ने यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत के दबाव में नोटिस भेजा है। सचिन पायलट के वकील हरीश सालवे ने कोर्ट में कहा कि यह मुद्दा संविधान से जुड़ा है, इसलिए याचिका की सुनवाई डबल बेंच करे, जिसके बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। लेकिन इस सब के बीच सचिन पायलट पर कांग्रेस का वार जारी है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, छवि खराब करने के लिए गलत अफवाह फैलाई जा रही है। सचिन पायलट ने कहा वो बीजेपी में नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि मानेसर में रुके विधायक हरियाणा की बीजेपी सरकार की नजरों में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन घर वापसी का क्या? राजस्थान के विधायक दल में बहुमत अशोक गहलोत के साथ है, तो ये भी क्या तरीका है किसी प्रजातंत्री व्यवस्था में कि माइनॉरिटी के लीडर को तो लीडर बना दिया जाए और मेजॉरिटी जिसके पास उसको पीछे हटा दिया जाए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के आरोप में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उधर सचिन पायलट का आरोप है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। हालांकि अब ये तय हो चुका है कि ये मुद्दा अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का खुला रण बन चुका है, क्योंकि कोर्ट में जाकर सचिन पायलट ने अपना इरादा साफ कर दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।